दोस्तों इस वीडियो में हम लोग डे वाइज प्लानिंग की बात करेंगे पूरे ग्रुप वन की अगर आपका क्वेश्चन है ग्रुप टू और बोध ग्रुप का कब आएगा तो काइंडली वेट विद इन ट्वेंटी फोर आवर्स में ग्रुप टू और बोध ग्रुप की भी डे वाइज प्लानिंग शेयर कर दूंगा बात करते हैं ग्रुप वन की और ओल्ड टू न्यूज स्लेवर्स जितने भी स्टूडेंट्स कन्वर्ट हो रहे हैं टेंशन मतलब इस वीडियो में आपको आइडिया लग जाएगा कि कितने नए चैप्टर ग्रुप वन में कहाँ कहाँ ऐड हैं वीडियो को शांति से देखिएगा एक क्वेश्चन और होगा आपके दिमाग में कि भैया ये पी डी एफ कहाँ से मिलेगा तो सी ड्रीमर्स रीमर्स एवेंजर एक टेलीग्राम ग्रुप है उसके अंदर ही आपको मिल जाएगा मैं शेयर कर दूंगा आज के डेट नोट कर लेना और इसका लिंक भी जो पी डी एफ का है मैं ऊपर शेयर कर दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वहाँ से जाके आप इसको डाउनलोड कर सकते हो तो डे वाइज प्लानिंग में हम बात करने वाले हैं सबसे पहले तो यहाँ पे कुछ लोग ये कहते हैं कि सर आर्टिकलशिप वाले स्टूडेंट हैं या जॉब कर रहे हैं तो फिर क्या वो भी इस प्लान को फॉलो कर सकते हैं तो देखिए मैं आपको जो टाइम दे रहा हूं मैं आपको ज्यादा इसमें टाइम नहीं दूंगा मैं आपको सिक्स टू एट आवर्स का ही टारगेट देते हुए बताऊंगा कि कैसे आप अपना जो एग्जाम है मे का वो क्लियर कर सकते हैं सिक्स टू एट आवर्स के साथ सिर्फ ग्रुप वन यही स्ट्रेटजी मेरा एक सुपर थर्टी बैच बन रहा है मैं उसमें भी अप्लाई कराने वाला हूँ सिंपल है आसान है पहले सबसे पहले अपने दिमाग से नेगेटिव थाट्स हटा दीजिए और इस तरीके से इस वीडियो को देखिए कि आप फर्स्ट टाइम वीडियो देख रहे हैं और माइंडसेट यही होना चाहिए कि 100 परसेंट एग्जाम क्लियर करना है वीडियो आगे कंटिन्यू करने से पहले आप सभी को मम्मी का समय जाके कमेंट बॉक्स में लिखो हैश टैग सी रिजल्ट हमारा है इस बार अपनी मम्मी के लिए पापा के लिए अपनी माँ के स्माइल के लिए मैं सी एग्जाम डेफिनेटली क्लियर करूँगा जाके कमेंट बॉक्स में लिखियो जाके लिख दो यार अपनी माँ के लिए सी रिजल्ट हमारा है जाके लिखो आगे कंटिन्यू करने से पहले तो जो आर्टिकलशिप कर रहे हैं उनको भी मैं गाइड करूंगा इस वीडियो के एंड में तो परेशान नहीं होना है जितना भी टारगेट में दे रहा हूँ उसके हिसाब से आपको चलना है और इजीली जो है आप इसे मान के चलिए अगर आप फर्स्ट मार्च से भी फॉलो करते हैं ठीक है तो आप इसे ईजिली मान के चलिए थर्टी अप्रैल तक कंप्लीट कर लेंगे और उसके बाद जो टाइम मिलेगा वो भी आप इजिली यूज़ कर लेंगे पढ़ने के लिए बात करते हैं ग्रुप वन में अकाउंट से कौन कौन से टॉपिक है हमारे पास देखिए अगर मैं डेज में बात करूँ और मैं यहाँ पर जो डेज बांटा है ये एक तरीके से रिविजन वन रिविज़न टू और ये रिविज़न थ्री तीन पार्ट में मैंने रखा है कि आपको किस तरीके से पढ़ना है मान लीजिए आप स्टार्ट करते हैं पढ़ना आपको फोर डेज लगातार टारगेट मैं बता रहा हूँ उसके बाद गैप दे के रिवाइज करना है देन आगे मूव ऑन करना है मान लीजिए आपने चैप्टर वन उठा दिया फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाना जो शेड्यूल थ्री के अकॉर्डिंग हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाते हैं देन कैश फ्लो स्टेटमेंट प्री एंड पोस्ट ये आप एक दिन में चाहें तो टॉपिक जो है वो कर सकते हैं ठीक है अगर आपके पास कोई बुक नहीं है अगर आप कोई कोर्स परचेज नहीं कर सकते एक अल्टरनेटिव है आप मास्टर ब्लास्टर हमारी वेबसाइट से ले सकते सी डी मस डॉट कॉम अगर नहीं कोई बात नहीं स्टडी मैट आपका बेस्ट है स्टडी मैट के बाद लेटेस्ट आर टी पी एम टी पी आएगी उसको अपना बेस बनाइए अगर आप उतना भी करते हैं तो सिक्सटी प्लस आ जाएंगे प्लीज़ फॉलो ऑल द स्टेप्स आई शेयर विथ यू और याद रखिएगा स्टडी मेट स्टैंडर्ड है अगर इतना कर लेते हैं तो आप पास हो जाएंगे तो आपको एक दिन का टारगेट यहाँ पर रखना है फिर है बोनस इशू राइट इशू प्रिफरेंस शेयर ठीक है सर तो ये जो डिवेंचर्स तक का टारगेट है ये भी आप एक दिन में कर सकते हैं नाउ इन्वेस्टमेंट अकाउंट इंश्योरेंस क्लेम ये जो दो टॉपिक है इसके लिए सिर्फ आप एक दिन रखेंगे इसके बाद है हायर परचेज एंड डिपार्टमेंट तो हायर परचेज के लिए भी मान के चलिए मैंने एक दिन कम टारगेट रखा तो मान लीजिए आपने चार दिन पढ़ाई की ये आपका फर्स्ट टाइम का है इसी चीज़ को जब आप आगे रिवीजन में रखेंगे तो आपको इसे टू डेज़ के अंदर कोशिश करनी है कंप्लीट करना फोर डेज़ को टू डेज़ और थ्री डेज़ में कंप्लीट करना है देन जब आप इसे नेक्स्ट टाइम रिवाइज़ करेंगे तो आपको उसको वन से टू डेज़ के अंदर रिवाइज़ करना है सर ये ऐसा हो जाएगा यस मैं आपके साथ मजुलिस भी वेरी सोन शेयर करने वाला हूँ और मजुलिस की हेल्प से भी ये हो जाएगा अगर आपको अभी चाहिए लेटेस्ट तो टेलीग्राम ग्रुप में सर्च कर लेना मिल जाएगी मजदूर अकाउंट या अकाउंट भी सर्च करेंगे तो मजदूर लिस्ट मिलेगी नहीं मिल रही है तो सी ए ड्रिमर एक मोबाइल ऐप है इंस्टॉल कीजिए प्ले स्टोर से ओनली एंड्रॉयड के लिए आपको वहाँ पर मिल जाएगी क्वेश्चन लेटेस्ट जो भी हमने पास्ट एग्ज़ाम में शेयर किए थे उससे हो जाएगा लेकिन माइंड रखिए सबसे पहले कि एग्ज़ाम क्लियर करना है आपका दिल अब तक तो खुलल नहीं रहा कि मैं कर सकता हूँ बहुत सारे लोग तो इसी कंफ्यूजन में कि साठ दिन में सत्तर दिन में एग्ज़ाम हो जाएगा क्यों नहीं होगा मुझे ये बताइए सर ऐसा पॉसिबल नहीं होता ये एक का एग्जाम है आप जो ठान लोगे ना तो हर कुछ पॉसिबल होता है जब किसी ने कहा ना कि भैया चंद्रमा पे जाना मुश्किल है लोग गए कि नहीं गए जब बोल रहे थे पृथ्वी गोल नहीं है ऐसे है फ्लैट है बट पहुँचे कि नहीं पहुँचे न्यूटन का थर्ड लॉ स्टेबल हुआ कि नहीं हुआ इस दुनिया में हर कुछ होगा सब कुछ होगा पहले आपको माइंड रेडी करना है मान लीजिए उसके बाद डिपार्टमेंट एंड ब्रांच है इसके लिए आपने मान लीजिए दो दिन ले लिए बड़े बड़े चैप्टर हैं उसके बाद ए है इसके लिए भी आपने दो दिन ले लिए तो मान लीजिए ये जितना भी आपने पढ़ा चार दिन का सिलेबस है उसके बाद फिर आपको टू टू थ्री डेज़ में उसको रिवाइज़ करना है देन वन टू टू ये टोटल डेज मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि मान लीजिए मैंने आपको आठ दिन का टारगेट यहाँ पे दिया है ये फोर डेज़ यहाँ पे दिए हैं फोर डेज़ यहाँ पे दिए हैं इसको जब आप रिवाइज़ करोगे तो ये आपका फ़ोर टू तो फाइव डेज़ में आना चाहिए फिर आप जब इसको रिवाइज करोगे तो ये आपका सेट हो जाना चाहिए टू टू थ्री डेज़ में इस तरीके से आपको प्लानिंग जो है आज से अभी से लेके चलनी होगी मैं अगेन कह रहा हूं वीडियो के तक पहले क्लियर जब तक आप अपने प्लान ही नहीं बनाएंगे किसी बहुत बड़े फिलॉसफर ने कहा है कि जो लोग अपनी सक्सेस को प्लान नहीं करते ना वो कहीं ना कहीं फेलियर को प्लान कर रहे होते हैं इसीलिए कहूंगा पूरे दिल से लिखे जाके रिजल्ट हमारा आपको अंदर से कॉन्फिडेंस आना चाहिए एक तरीका है मैं बाहर से बोलूं भाई तू कर लेगा एक अंदर से आना चाहिए बहुत सारे सर हम, सी सर हम से ये छोड़ रहे हैं सर हमसे नहीं होगा अरे क्यों नहीं होगा सर साठ दिन में कोई पास होता है क्या पास होने वाला एक दिन में भी होता है जिस दिन अपने अपने माइंडसेट सेट कर लिया ना कि भाई पढ़ना है करना है लग जाओ जी जान से हर एक सेकंड को यूज करो ताकि आपका रिजल्ट आपके पास हो ठीक है सर इसके बाद मान लीजिए मैंने एट डेज का आपको प्लान बनाया वहीं पे अगर हम बात करते हैं कंपनी लॉ की तो कंपनी लॉ में आप ये तीन टॉपिक जो कि है प्रिल इन इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनी एंड मैटर्स इंसिडेंटल देयर टू प्रोस्पेक्टिस एंड अलॉटमेंट ये मेरे दोस्त आप एक दिन में अगर आप रिविज़न कर रहे हैं तो कर सकते हैं उसके बाद है शेयर कैपिटल एंड डिवेंचर दैन डिपॉजिट्स इसके लिए आप एक दिन ले लीजिए रजिस्ट्रेशन एंड मैनेजमेंट के लिए आप एक दिन यहाँ पे रख लीजिए डिकलेशन ऑफ पेमेंट एंड डिविडेंट आप इसके लिए एक दिन रख लीजिए टोटल मैंने अब तक कंपनी लो का आपको फोर डेज़ का टारगेट बताया यही फोर डेज़ आप आगे रिवाइज़ करेंगे तो टू टू थ्री डेज़ में चला जाना चाहिए और यही आगे जाके वन टू टू डेज़ में आ जाना चाहिए सर इसके लिए बेस क्या रहेगा सर देखो एक मास्टर व्लास्टर मैंने सेट कर रखा है वेबसाइट से जाके आप ले सकते हैं अगर नहीं तो स्टडी बेट सबसे बेस्ट उसके टेस्ट और नॉलेज के क्वेश्चन पढ़ो उसके प्रोविजन्स जाके पढ़ो लेटेस्ट आर टी पी एम टी पी करो यही आपको करना होगा मसलस मैं कोशिश करूँगा जल्द से जल्द आपको शेयर कर दूँ और टेलीग्राम ग्रुप में भी मिलेगी यूट्यूब चैनल पे मैं आपको अपडेट देता रहूँगा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और सर थ्योरी में जो आप मिस्टेक करते हैं वो होती है रिटर्न प्रैक्टिस आपको यही नहीं पता यार आंसर फ्रेम कैसे करना है जैसे मैं यहाँ पर आपको बोलूँ कि मान लो कोई केस लो आया हुआ है कैसे लिखे हुए आप उसका आंसर सबसे पहले आपको लिखना होता है प्रोविज़न फिर आपको जो क्वेश्चन में गिवन है वो फैक्ट्स लिखने पड़ते हैं कि क्या क्या हुआ है इसके अंदर ठीक है उसके बाद आपको प्रोविजन ऑफ फैक्ट्स को रिलेट करके थर्ड पैरा बनाना होता है उसके बाद फोर्थ में आपको उसको कंक्लूजन में देना होता है यार लिखोगे नहीं तो पता कैसे चलेगा आप बस भागने के ऊपर ध्यान दे रहे हो लेकिन चलने के ऊपर सीखने के ऊपर उसके ऊपर ध्यान नहीं दे रहे अब मान लो मैंने आपको यहाँ पे एट डेज का प्लान बता दिया ग्रुप वन के अंदर तो ये क्या फिनिश हो गया डेडलाइन नहीं बिल्कुल नहीं यहां पे आप देंगे मॉक टेस्ट पहला मॉक टेस्ट आपका यहां पे जाना चाहिए जैसे आप एक बार इसे पढ़ेंगे देन जब नेक्स्ट रिविजन करेंगे फिर से आपको एक मॉक टेस्ट देना है फिर से एक बार जब आप इसे पढ़ेंगे तो देन अगेन आपको मॉक टेस्ट देना है आप रिटर्न प्रैक्टिस तो करते ही नहीं पता नहीं मुझे समझ में नहीं आता सी स्टूडेंट्स लिखने से भागते क्यों है मैं एक बच्चे का नाम लूंगा मनी अम्बानी उसका नाम है मनी अम्बानी भाई साहब ने आ, हमारा टॉप ट्वेंटी बैच ज्वाइन किया हुआ है वो सिक्स टू नाइन मंथ का पैकेज होता है और बहुत ही प्रीमियम फीस है बहुत ही प्रीमियम सर्विस है भाई साहब सारी सर्विस लेते हैं लेकिन टेस्ट के नाम पे लिखते नहीं सर दूंगा सर करूंगा सर दूंगा सर, सर, करूंगा सार। लेकिन भाई साहब लिखते ही नहीं कभी टेस्ट पेपर अभी रिजल्ट आया मैंने उन्हें शेयर भी किया है कि भाई देख लो, आपने जो गलती की ना वही लिखने से क्यों नहीं आप अपने एफर्ट्स लेते? अभी जैसे थर्टी हम बना रहे ठीक है अभी ये स्टार्ट होगा हमारा इलेवन मार्च से तो फिर से एक क्वेश्चन आएगा सर मॉक टेस्ट पेपर सॉल्व होंगे बिल्कुल होंगे आप लिखोगे नहीं साहब आपके खून में चीजें शामिल कैसे होंगी उसके बाद दीदी भैया या टीचर अगर पैसे हैं मम्मी पापा थोड़ा सपोर्ट करते हैं आपके पॉकेट मनी है तो क्लासेस या कोई टीचर ऐसा जो आपके टेस्ट चेक करके दे हायर करो नहीं पॉसिबल है तो भैया दीदी मम्मी पापा उन्हीं को बोलो कि भैया एक बार पैराग्राफ कर चेक करके आंसर चेक करके बताओ मैं गलती कहाँ कर रहा हूँ इंसान को कभी भी अपनी गलती नहीं दिखाई देती है यू ऑलवेज नीड अ टीचर ऑलवेज नीड अ पर्सन हु विल गाइड यू ऑन अ राइट डायरेक्शन ऑन अ राइट पाथ जब तक आपको सही दिशा ही नहीं पता चलेगी साहब कैसे आएगा रिजल्ट आपको अपनी गलती नहीं पता चलिए कोई बात नहीं यहाँ तक हमने कर लिया उसके बाद हम बात करते हैं अदर लॉ की अदर लॉ में सर चार चैप्टर हैं एक एक दिन बांट लेते हैं ठीक है सर कॉन्ट्रैक्ट एक्ट वन डे नेगोशिएबल वन डे उसके बाद जनरल क्लॉज एक्ट वन डे ठीक है सर इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टेट्यूट वन डे अब इन दोनों को नेक्स्ट रिविजन में एक दिन में करना है इन दोनों को नेक्स्ट रिविजन में एक दिन में करना है देन वैन यू रिवाइज इट इट विल कम टू वन डे इस तरीके से आपको आगे बढ़ना है सर बेस्ट क्या है देन मैं अगेन बोलूँगा स्टडी मैट इज द बेस्ट अगर आपको स्टडी मैट से नहीं प्रॉब्लम आ रही है तो मास्टर ब्लास्टर अवेलेबल है सी डी मस डॉट कॉम पर जाइए देखिए कोई भी एक मास्टर ब्लास्टर आप पहले बाई कीजिए अगर आपको नहीं मज़ा आएगा अगला मत लेना और मजा आएगा कि नहीं सर इसमें तो बहुत बढ़िया क्वेश्चन है बहुत बढ़िया से आपने एक्सप्लेन कर रखा है मजा आ गया सर एक ही बार में याद हो जाता है डायग्राम चार्ट से तो आगे कंटिन्यू करना आप सर प्रमोशन कर रहे हो ना बिल्कुल नहीं अगर आपकी सक्सेस एक बुक से डिफाइन हो जाती है बाय योर बुक अगर आप मेरे से पूछे तो मैं हर मंथ के फाइव टू टेन थाउजेंड सर बुक्स पे परचेज करता हूँ कभी ओसो के सारे कलेक्शंस कभी रॉबिन शर्मा के सारे कलेक्शन ठीक है सर कभी टी कायोसाकी के सारे कलेक्शंस पढ़ने चाहिए सर जब तक आप पढ़ोगे नहीं ग्रो नहीं करोगे कैसे अपडेट करोगे खुद को तो ये आपका फोर डेज़ मैंने यहाँ पे लिए देन यहाँ पे मैंने टू डेज़ लिए देन वन डेज अब अगर इसे काउंट करिए ये टोटल मिला के होते हैं एट डेज़ एक बार यहाँ पे होने में मॉक टेस्ट यहाँ पे मॉक टेस्ट एंड यहाँ पे मॉक टेस्ट सर मॉक टेस्ट कहाँ पे मिलेंगे भैया आई के पोर्टल पे जाओ अगर आप कोई अकेडमी ज्वाइन कर सकते हो अगर आप मेरा सुपर थर्टी ज्वाइन कर सकते हो बेस्ट है हम करवाते हैं अगर नहीं कर सकते हो कोई बात नहीं है आई के पोर्टल पर जाइए स्टूडेंट वाले में जाइए उसके बाद सब्जेक्ट क्लिक करिए आप ठीक है बी यूएस पोर्टल के अंदर उसके बाद मॉक टेस्ट क्लिक करिए लास्ट वाले दो सॉल्व कर लो अभी दो आएंगे वो सॉल्व कर लो लेटेस्ट टेस्ट पेपर सॉल्व कर लो करो तो सही एक चीज आपको कसम है अपनी मम्मी की मॉक टेस्ट पेपर हर सब्जेक्ट के कम से कम दो से तीन सॉल्व करने प्लीज जब तक रिटर्न प्रैक्टिस नहीं करोगे रिजल्ट कहाँ से आएगा आपको बहुत बुरा लगता है मम्मी कसम पे लेकिन जब वही माँ रोती है आपके रिजल्ट पे फेल होने पे तब आपको बुरा नहीं लगता उस माँ के लिए मुझे डिसलाइक मारने मार दो कमेंट में गाली देने दो उस माँ के लिए पास होना है साहब मुझे इस बार आपका रिज़ल्ट सिर्फ पास चाहिए ऐसे का रिजल्ट बहुत ख़राब आया आई एक्सेप्ट इट सिर्फ ग्यारह परसेंट बच्चे पास हुए आई एक्सेप्टेड सर आपके बच्चे आप मेरा व्हाट्सअप नंबर सेव कीजिए नाइन थ्री फाइव फोर सेवन वन नाइन फोर जीरो फोर आप जाके स्टेटस देखिए कितने बच्चे पास हुए लेकिन मैं यहाँ अपनी तारीफ करने नहीं आया हूँ मैं यहाँ पर उनका हाथ पकड़ने आया हूँ जो अभी नहीं कर पाए आई वॉन्ट योर रिज़ल्ट प्लीज़ ओके सो माई डियर फ्रेंड ये हो गया हमारा मॉक टेस्ट यहाँ तक हमने लो तक शिफ्ट कर लिया अब बात करते हैं कॉस्टिंग की कॉस्टिंग में मेरे दोस्त ये थ्योरी हो गई तो थ्योरी के लिए मैं कोई डेज नहीं दे रहा ये थोड़ा 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 करके पढ़ सकते हो मास्टर व्लास्टर भी लोगे तो उसमें थ्योरीज़ है पंद्रह बीस क्वेश्चन है थ्योरी के थोड़ा 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 करके पढ़ लोगे ओके बात करते हैं मटेरियल एम्प्लॉय एंड ओवर आप चाहें तो इसे एक दिन में कर सकते हैं एक्टिविटी बेस्ड एंड कॉस्ट शीट एंड कॉस्ट अकाउंटिंग इसको एक दिन में रखिए आप यूनिट बैच एंड जॉब कॉस्टिंग एंड कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग वन डे रखिए प्रोसेस एंड जॉइंट एंड बाय प्रोडक्ट वन डे रखिए आप सर्विस स्टैंडर्ड एंड मार्जिन इसमें दो दिन रख लीजिए और चलिए यहाँ पे भी मैं रेक्टिफिकेशन कर देता हूँ यहाँ भी मैं आपको दो दिन दे देता हूँ मान लीजिए थ्री डेज़ का ये टारगेट हो गया इसे आप कितने दिन में कर सकते हैं मान लीजिए दो दिन में ये आपका फोर डेज का टारगेट हो गया कितने दिन में कर दोगे आप दो दिन में जरा इसे काउंट करना कितने दिन में ये एट टू नाइन डेज होता है उसके बाद ये कितने हुए सर ये मान लीजिए फोर तो टू फाइव डेज होगा ये कितने दिन हो गए दो से तीन आपको सेट करना पड़ेगा साहब कब करोगे आप आप प्लानिंग करते नहीं उस पर काम करते नहीं बस सोचते हो सर पास हो जाओ कैसे होगे लास्ट मोमेंट पे आके आप बोलते हो सर मैंने कुछ भी नहीं पढ़ा मजुलिस पढ़ के हो जाएगा अरे यार पढ़ना पड़ेगा कम से कम दो महीने में तीन बार रिवीजन लगाने पड़ेंगे दो तीन मार्क्स टेस्ट पेपर सॉल्व करने पड़ेंगे कॉन्सेप्ट की अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कुछ बच्चे बोलते सर ई नहीं आता सर टैक्स नहीं आता सीख क्यों नहीं रहे आप सर इतना टाइम नहीं है बाबू अगर आपको आपकी सक्सेस के लिए टाइम नहीं है अगर आपको अपनी माँ को खुशी देने वाले काम के लिए टाइम नहीं है तो आपके जीने का कोई फायदा नहीं यार पेरेंट्स को जो बच्चा प्राउड फील नहीं कराता ना साहब उसके जीने का उसको कोई शौक नहीं है तो सर इसका मतलब क्या है मतलब ये है उनको प्राउड फील कराओ ठीक है गलतियां हो गई हाथ जोड़ के सॉरी बोलो मम्मी पापा लास्ट टाइम गलती हुई है साहब एक मौका देके देखो एक मौका देके देखो आपका दे ये बेटा कर जाएगा कुछ कर जाएगा कुछ बन जाएगा और इस बार आपके लिए रिजल्ट लेके आएगा यू फील प्राउड ऑन योर साइड जब आप दूसरों के लिए करते हो ना खुशी अंदर से आती है प्लीज डियर फ्रेंड और मॉक टेस्ट लिखने का फायदा क्या होगा पता है आपको पता चलेगा कि आप कटिंग कहां करते हो आपको पता चलेगा आप एरर कहां करते हो आपको पता चलेगा, आप चलेगा फॉर्मूला गलत कहां पे लगाते हो आपको पता चलेगा आपको रिकॉल आ भी रहा है कि नहीं आ है मैक्सिमम लोग गलती क्या करते हैं लेट सपोज मैंने सुपर थर्टी का बैच शुरू किया गलती क्या करते हैं बच्चों ने लेक्चर्स ले लिए बस लेक्चर्स देखने नहीं सिर्फ लेक्चर्स नहीं देखने आप जो पढ़ते हैं उसके साथ आपको रिवाइज भी करना पड़ेगा और रिविजन के साथ साथ जब आप आगे बढ़ते हैं ना मेरे दोस्त उसके साथ मॉक टेस्ट लिखते हुए चलिए तीन चीज़ें करनी है थ्री टू फोर डेज पढ़ना है उसके बाद एक दिन का ब्रेक लेके पूरा रिवाइज करना है दैन नेक्स्ट ना डे दे टेस्ट देना है इस तरीके से आप पढ़ते हुए चलो ऑटोमेटिक टिल द एंड ऑफ एग्जाम यू आर विनर माई डियर फ्रेंड्स ओके okay, चलिए बात करते हैं टैक्सीशन में टैक्सीशन में देखो मान लो मैं बेसिक रेजिडेंशियल और स्कोप ऑफ टोटल इनकम और सैलरी तीन चैप्टर ले रहा हूँ एक दिन के अंदर उसके बाद हाउस प्रॉपर्टी और पी, पी एक दिन में ले रहा हूँ कैपिटल गेन अदर सोर्स एक दिन में ले रहा हूँ फिर है आपका अदर पर्सनस और आ, सेट ऑफ कैरी फॉरवर्ड इसको एक दिन में ले ले रहा हूँ ग्रोसरल इनकम और टोटल इनकम टैक्सबल ये एक दिन में ले ले रहा हूँ और इन दोनों टॉपिक को एक दिन में ले रहा हूँ सर इसमें आपने सबसे ज़्यादा दिल लिए है। क्या करूँ सिलेबस ही ऐसा है ये आपका तीन दिन का टॉपिक दो दिन में आप करेंगे ये तीन दिन का टॉपिक दो दिन में करेंगे तो यहाँ पे आपके डेज लग गए सिक्स सिक्स को मैं सिर्फ कह रहा हूँ फोर डेज में कन्वर्ट करो उसके बाद आप इसको टू टू थ्री डेज में कन्वर्ट करो यही तो तरीका है पहले से ही प्लान करो कि मुझे कहाँ टाइम लग रहा है यहाँ पे लिखो अलोकेशन ऑफ टाइम इतना लगना चाहिए इतना लगना चाहिए ऐसे करना चाहिए उसके बाद आपको देना है यहाँ पे मॉक टेस्ट जब तक आप लिखेंगे नहीं जब तक आप खुद को घिसेंगे नहीं तब तक रिजल्ट नहीं आएगा साहब ठीक है ओके नाउ आई एम टॉकिंग टू इनडायरेक्ट टैक्स और इससे पहले एक चीज़ बता देता हूँ हमारा एलेवन मार्च से एक बैच शुरू हो रहा है उसका नाम है सुपर थर्टी अगर आप ये सारी टेंशन खुद से नहीं बियर कर सकते तो आप सुपर थर्टी ज्वाइन कर सकते हैं मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूंगा इसमें आपको सारी हार्ड बुक्स प्रोवाइड की जाएगी आपको डेली मेंटरशिप दिया जाएगा कितने घंटे पढ़ना है कैसे पढ़ना है कोई भी दिक्कत है कोई भी परेशानी हम सॉल्व करेंगे वीडियो लेक्चर्स पढ़ना है कैसे करना है वो बताएंगे तीन से चार दिन पढ़ाने के बाद आपको रिविज़न टाइम देंगे देन आपका मॉक टेस्ट लेंगे इसी तरीके से हम सिलेबस खत्म करेंगे सर बैच कब खत्म होगा बैच जब तक एग्जाम एंड नहीं होता हम आपके साथ आपको रिविज़न करवाते रहेंगे टेस्ट कराते रहेंगे रिविजन कराते रहेंगे टेस्ट कराते रहेंगे एवरी वी विल कंप्लीट और बार बार करेंगे कम से कम तीन बार मेरा टारगेट है कि मैं आपको करवा के दूँ और आप पास करें ठीक है तो अगर आप में से कोई इंटरेस्टेड हो तो सुपर थर्टी का लिंक जो है यहाँ पे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके आप सब्सक्राइब कर सकते हैं बात करते हैं इनडायरेक्ट टैक्सेस की ठीक है और कोई डाउट दिक्कत हो तो आप मुझे व्हाट्सअप कर देना नाइन थ्री फाइव फोर सेवन वन नाइन फोर ज़ीरो फोर पर ठीक है डायरेक्ट टैक्स में देखो सिंपल सिंपल सा है अगर हम चार्ज ऑफ जी तक सप्लाई इंट्रोडक्शन और चार्ज की बात करें तो ये एक दिन में आप कर सकते हो एग्जाम्शन है ठीक है एग्जाम्शन के लिए सिर्फ एक दिन मैं स्पेशल पूरा एक दिन उस पर आपको दूंगा और उसके बाद आई है इस पर मैं आपको एक दिन दूंगा पूरा उसके बाद आपका टाइम वैल्यू और सप्लाई और रजिस्ट्रेशन इसके लिए मैं आपको एक दिन दूंगा ठीक है बाकी दोनों के लिए एक दिन तो मैंने आपको टोटल फाइव डेज यहाँ पे दिए इसको आपको कन्वर्ट करना है टू टू थ्री डेज में उसके बाद आपको कन्वर्ट करना है वन टू टू डेज़ में ये प्रॉपर प्लानिंग जो है आपकी होनी चाहिए लेकिन अभी तक मैंने आपको सिर्फ समझाया है अब मेरा काम है आपको मोटिवेट करने का गाइड करने का कैसे आप ओवर द पीरियड खुद को मेंटेन रखेंगे इसके ऊपर मुझे आपको बताना है देखो मेरे दोस्त सबसे बड़ी चीज है आपकी जिंदगी में आपका वाई इफ यू डोंट नो वॉट इज योर वाई यू आर अनेबल टू रीच टिल योर डेस्टिनेशन आप गाड़ी चला रहे लेकिन आपको पता ही नहीं है कहां जाना है आप घूम फिर के घर ही वापस आ जाओगे यानी फेल होकर आप वहीं रह जाओगे कंफर्ट जोन में जहां पर आपको जाना है ये जो आपका वाई है ना वो आपको स्ट्रेच करेगा एक लेवल ऊपर जाने के लिए मैं आपको पहले अपना डिफाइन करता हूँ फिर मैं आपके बारे में बात करता हूँ लेट सपोज मेरा वाई क्या है मेरा वाई ये है कि जो बच्चा कर नहीं पा रहा है उसको पुश करना है बैच के थ्रू बुक्स के थ्रू क्लासेस के थ्रू कि वो बच्चा फाइनली अपना एग्जाम क्लियर कर पाए अगर मान लीजिए इसी जगह एक एग्जाम्पल लेता हूं मैं हर एक इंसान का अपना एक वाई होता है अभी आपका वाई होना चाहिए फाइनेंशियल फ्रीडम होना अभी आपका वाई होना चाहिए पेरेंट्स को प्राउड फील कराना अभी आपका वाई होना चाहिए जो लोग आपका मजाक बना रहे हैं ना एक बच्चे का रिप्लाई आया मेरे पास कि सर मैं जब सी पास हुआ ना हर लोग मेरे को थपथपा रहे थे आज मैं फेल हो गया ना कोई मेरे से बात नहीं करना चाहता कोई सब बोल रहे कि तेरी गलती है तो आपका एक वाई होना चाहिए जो लोग नेगेटिविटी फैला रहे ना आपके लिए उनको एकदम जवाब देना है अपना व्हाट्सएप पे स्टेटस लगा के पास हो गया रैंक आ गए और किसी के बारे में इस दुनिया में सोचो मत सोचो मम्मी का समय आप सभी को जाके लिखिए कमेंट बॉक्स में व्हाट इज योर वाई वाई यू डेंग से और जब भी पढ़ने का मन ना करे ना इस आके वाई को पढ़ना क्यों कर रहे हो आपसे अगर मेरे वाई को अगर आप जानो मैं अपनी फैमिली के लिए मैं ये चाहता हूँ मेरे फैमिली का हर एक मेंबर खुश रहे स्ट्रगल सारे मेरे हो लेकिन स्माइल उन सबके चेहरे पे हो जो मेरे आने वाली जनरेशन है मैं उनके लिए कुछ ऐसा कर जाऊं कि लाइफ टाइम वो आगे बढ़ते रहें ये है मेरा वाई आपका वाई क्या है देखो यार गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड जाके सिनेमा हॉल में मूवी देख लेना आप बाइक पे घूम लेते हो मम्मी पापा को झूठ बोल के बेकूफ़ बना देते हो अल्टीमेट हुआ क्या फेल हो गए ना इस बार उन्हें धोखा नहीं देना है इस बार अपने टीचर की बात को हंड्रेड परसेंट मानना है इस बार कर दिखाना है और इस बार आंसू आने चाहिए ना तो आपकी मम्मी की आंखों में आपके पास क्यों चाहिए बस यही हमारा हमारा है है जाइए कमेंट बॉक्स में लिखिए मेरे दोस्त आपका वाई क्या है क्यों कर रहे हो आप अगर आपको आपका वाई नहीं पता ना इस वीडियो को छोड़ के मत जाना कमेंट में लिखा होना चाहिए मम्मी का समय आपको उसके चेहरे पे स्माइल चाहिए आपकी मम्मी के पास उसका हँसता हुआ चेहरा अगले रिजल्ट में मुझे चाहिए आपके साथ आप स्क्रीन शॉट भेजेंगे मुझे देखो आपके मम्मी के साथ की देखो सर मैं पास हो गया बस यही कहूँगा मैं पूरे दिल से आपको ब्लेसिंग देता हूँ कि ये डेस्टनी आपकी हो मैं जल्द से जल्द मसले रिलीज़ करूँगा कोशिश करूँगा इस बार खुद को इम्प्रूव करने की पेड जो बैचेज हैं उनके लिए तो मैं करता ही हूँ लेकिन आप लोग के लिए भी रिविजन वीडियोज़ कोशिश करूँगा बहुत सारे देने के लिए लेकिन आपका सपोर्ट चाहिए चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कीजिए और कोई डाउट दिक्कत हो तो नाइन पे आप मुझे मैसेज कर सकते हैं और अगर आपको एलेवन मार्च से बैच ज्वाइन करना है हंड्रेड मेरे साथ करना है सेवन टू एट आवर्स आप एक दिन में दे सकते हो कभी भी दिन में शाम में कभी भी तो आप वो बैच ज्वाइन कर सकते हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है आप सब्सक्राइब कीजिएगा ओनली थर्टी स्टूडेंट्स का स्पेस है और यही कहूँगा अगर आप सेल्फ स्टडी कर रहे हो तो अपनी मम्मी का चेहरा ऑलवेज याद रखना अपने फ़ोन के स्क्रीन पे अपनी मम्मी का चेहरा लगाना उनका हँसता हुआ चेहरा हमेशा याद दिलाएगा आपको कि आप क्यों पढ़ रहे हैं टेक केयर एंड गॉड ब्लेस यू